सिमरन मार्ग कोई धक्के का मार्ग नहीं है, ये तो प्यार का रस्ता है। जिमें जिमें नाम अभ्यासी नाम दे विच अपनी सुरत नूं जोड़दा जांदा है, उसका प्रेम विश्वास परमात्मा दे उत्ते वधदा ही जांदा है। जे असी सिमरन मार्ग दे उत्ते इस शरीर दे नाल धक्का करांगे तां सानूं फिजिकली समस्या आउणियां शुरू हो जांदियां ने, ते ना ही साडा मन फिर सिमरन दे विच लगदा है। इस लई जदों भी कोई नाम अभ्यासी सिमरन मार्ग दे उत्ते मनो लगदा है तां मालक दी उसदे उत्ते बहुत किरपा हुंदी है। कुछ समक आपां नूं कमेंट करदे ने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जदों सिमरन करदी हाँ तां ध्यान लाउण दी कोशिश करदी हाँ पर सुरत सुन विच नहीं लगदी। विराग बहुत आउंदा है पर ध्यान नहीं लगदा। मेरा जी करदा है कि मैं सिमरन दे विच लीन हो जावां, किरपा करके जुगत दसो। वाहिगुरु जी, साडा मन विचारां विच रहिंदा है, इसनूं विचार रहित करन वास्ते वाहिगुरु गुरमंत्र जपना पैंदा है। जिवें जिवें जपांगे मन दे उत्तों विचारां दी मैल उतरेगी, ते जिवें जिवें विचारां दी मैल उतरेगी फिर हौली हौली इसदा मन नाम सिमरन दे विच ध्यान दे विच लगेगा। ते जे असीं धक्के दे नाल बिठाउण दी कोशिश करांगे ते वाहिगुरु गुरमंत्र नूं जुगत दे नाल ना जपिया फिर साडा मन नहीं लगदा। फिर असीं फिजिकल तौर ते भी यह सोचते रहने कि साडा मन नहीं लगता। बहुत सारे अजिहे मन हुंदे ने जिन्हां दे उत्ते विचारां दी बहुत मैल हुंदी है, बहुत मेहनत करन दे बावजूद भी विचार वस विच नहीं आउंदे। पर जिवें नाम अभ्यासी मालक दे उत्ते भरोसा करके सिमरन दे विच अपनी मेहनत करदा रहिंदा है, एक ना एक दिन उस दे मन दे विचार वस विच आ जांदे ने। ते जदों साडे विचार वस विच आउंदे ने ते कोई भी नाम अभ्यासी ध्यान दे विच बैठेगा तां उसदा जी लगेगा, उसदा मन एकाग्र होवेगा, उसनू बहुत आनंद आवेगा। इस करके घबराउण दी लोड़ नहीं है, सिर्फ वाहिगुरु गुरमंत्र नूं आपां दृढ़ करना है, मेहनत करनी है। इस वास्ते दिन दे विच आपां दो जां तीन वारी भी बैठ सकते हाँ जदों साडे कोल खाली समां हुंदा है। जो आप जी नूं विराग आउंदा है ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।